संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर पूरे प्रदेश में संपूर्ण स्वच्छता पर अभियान को प्रारंभ किया गया है। साफ सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और जिला स्तर पर इस कार्य को तेजी से किया जा रहा है। मुरादाबाद में भी संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर कार्य को किया जा रहा है। अलग अलग नगर पंचायतों में संचारी रोगों की रोकथाम पर टीमें बनाकर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जनमानस से अपील की जा रही है कि स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने आसपास गंदगी न होने दें। नगर पंचायतों में भी तेजी से अभियान चलाकर जनमानस से अपील की जा रही है कि सभी लोग सफाई व्यवस्था में प्रशासन का सहयोग करें। संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की बाबत जब जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि पूरे जनपद में संचारी रोगों पर रोकथाम को लेकर काम किया जा रहा है। सफाई व्यवस्था को बेहतर कराने पर जोर दिया जा रहा है। सफाई अभियान में जुटी टीमें लगातार काम कर रही हैं। जनमानस से भी सहयोग की अपील की जा रही है। पॉलिथीन का प्रयोग न करने की अपील की जा रही है। सिटी चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा जनमानस से अपील की गई और कहा गया कि स्वच्छता में विशेष ध्यान दें और सफाई अभियान से जुड़ी टीमों का सहयोग करें। संचारी रोग का 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अभियान चल रहा है। इस समय जैसा कि हम सभी लोग अवगत है कि मानसून आ चुका है। मानसून के आते ही तब तमाम तरह की संक्रामक बीमारियाँ, विशेषकर मच्छर जनित बीमारियाँ होती हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपने घर के आसपास अस्थायी रूप से पानी इकट्ठा न होने दें। घर में जब कूलर या बर्तन आदि रखे रहते हैं उसमें पानी कई बार इकट्ठा होते हो न होते, और मच्छरों से खुद का बचाव करें और साफ सफाई पर ध्यान दें। सरकार की तरफ से इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों का भी अगर इसमें सहयोग मिलेगा तो और बेहतर आउटपुट होंगे और हम काफ़ी हद तक संक्रामक रोगों के फैलाव को रोक सकते हैं।